अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको इस चिकन नेट से, ये मेरे पास नेट है, तो इससे अपन बहुत ही प्यारी डिज़ाइन वाली ड्रेस बनाएंगे, मतलब श्रग जैकेट बना रहे हैं। तो ये मेरे पास गोल्डन कपड़ा है, इसकी आप अंदर बनाना चाहें, आप जैसे भी कलर की बनाना चाहें, आप अपने हिसाब से अंदर कोई भी सूट या पटियाला सूट या पैंट या लेगी के साथ बना सकते हैं। ये मैं आपको श्रग बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा है ये। वैसे तो श्रग ज़्यादा कपड़े में बनता है, बट अपन 1.5 में ही बना लेंगे। और साइड में इसमें जो ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, ये भी अपन को फ्रंट पे लाना है। इसमें दोनों साइड पर बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर अपना कपड़ा है। तो अब सबसे पहले अपन इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपन कपड़े को ओपन करेंगे और ये इस तरह से दोनों बॉर्डर्स को मिलाते हुए घड़ी कर लेंगे, ठीक है। दोनों बॉर्डर्स को मिलाते हुए घड़ी कर लेना है अपन को, ठीक से पूरा ऊपर तक ही घड़ी करना है, क्योंकि अपन लॉन्ग श्रग बना रहे हैं। और अच्छे से घड़ी कर लेंगे। और पहले सबसे पहले अपन स्लिप्स का देख लेंगे कि स्लिप्स अपन को किस तरह से निकालनी है, और पहले स्लिप्स को निकाल लेंगे अपन। तो देखिए, अब सबसे पहले अपन स्लिप्स को निकाल दें, ठीक है। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे पहले कि अपनी ये लेंथ कितनी हो रही है। और ये जो चौड़ाई है, अपन 8 साढ़े 8 इंच का रखते हैं आर्म होल, बट अपन इतना नहीं रखेंगे, सिर्फ 7 इंच का ही अपन इसको रखेंगे, क्योंकि अपना श्रग छोटा हो जाएगा अगर अपन इसको और चौड़ा रखते हैं तो। अब अपन अपनी लेंथ नाप लेते हैं स्लिप्स की। तो ये अपन 16 या 17 इंच की स्लिप्स बना लेंगे, और ये जो ऊपर कपड़ा बचेगा इसको काट के अपन साइड में कली लगा लेंगे, उससे अपनी स्लिप्स भी बन जाएगी और श्रग भी छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपन 7 इंच का फोल्ड करने के बाद 7 इंच का ही निकाल लेते हैं कपड़ा, इसको काट के अपन अलग कर लेंगे। तो ये स्लिप्स का कपड़ा अपन ने निकाल के अलग कर दिया है। अब अपन श्रग को काट लेंगे। तो देखिए, श्रग का अपन पहले बैक साइड कट करेंगे, बैक साइड का निशान लगाएंगे अपन सबसे पहले। तो ये अपन ओपन वाले साइड से नहीं लगाना है, ये अपना फ्रंट साइड रखेंगे, अपन इस साइड से लगाएंगे, जॉइंट वाले साइड पे अपन अपना बैक साइड का लगाएंगे। तो देखिए, आप 7 इंच के अपन इसमें शोल्डर रखेंगे, अपन इसमें 7 इंच के शोल्डर रखेंगे। आप जो भी शोल्डर रखती हैं उससे थोड़ा बड़े ही रखिए, क्योंकि ये सूट के ऊपर पहनते हैं अपन, इसलिए इसके शोल्डर भी बड़े रखेंगे, इसके आर्म होल भी थोड़े बड़े रखेंगे। जैसे कि अपन 6.5 इंच के आर्म होल रखते हैं, तो इसके 7 इंच के आर्म होल अपन रखेंगे। आप जितने भी रखती हैं उससे थोड़े बड़े रखिएगा, और थोड़ा सा इसे ढीला भी रख लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि अपन को इसे सूट के ऊपर पहनना है। तो ये अपन ढिलाई का नाप ले लेंगे, ऊपर से 13 इंच पे या 12 इंच पे, जो भी आपके चेस्ट के नीचे का हो आप उस हिसाब से ढिलाई के निशान लगा लीजिए, और फिर इन दोनों निशानों को अपन मिला लेंगे। फिर आर्म होल से 13 इंच पर अपन अपनी कमर का साइज़ लगाएंगे। तो 13 इंच पर ये अपनी कमर का साइज़ ले लेंगे, मेरा 10 इंच है तो ये अपन 10 इंच का ले लेंगे, ठीक है। और आप इन ये सारे निशान लगाने के बाद भी इस साइड भी देख लीजिए कि आपका कपड़ा इतना बच रहा हो कि ना आपका फ्रंट साइड भी बन जाए आगे, क्योंकि कट रहेगा। तो ये अपन नीचे 12 इंच का दामन रखेंगे, नीचे 12 इंच का दामन रखेंगे, और इस तरह से इंची टेप को तिरछे रखते हुए इन निशानों को अपन मिला लेंगे, ठीक है। देखिए, ये 12 इंच का अपन ने नीचे दामन रखा, ये, और फिर ये जो अपन ने 13 इंच पे निशान लगाए थे, इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। इसको सीधा नहीं लगाना है, थोड़ा तिरछा निशान लेना है अपन को, ठीक है। ए लाइन में अपन को इसको कट करना है। अब मैं इसे आपको काट कर बता देती हूँ। तो मैं इसे काट लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से कटेगा, बड़ी टाइट नेट है। एक एक करके मैं एक एक लेयर को काटूँगी पहले। तो ये अपना बैक साइड अपन ने कट कर लिया है, बड़ी मुश्किल से कटा है, बड़ी टाइट नेट है। तो ये अपन देख लेंगे अब, ठीक है। तो अब देखिए अपन को क्या करना है, ये जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसको अपन पलट के रखेंगे, मतलब ऊपर वाले साइड को अपन नीचे लाएंगे और नीचे वाले को ऊपर लाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए ये जो अपना ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे लाना है और ये नीचे वाला ऊपर लाना है। तो देखिए इस तरह से लीजिएगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और ये जो बॉर्डर साइड है ओपन वाला उसको आगे की ओर कर देंगे अपन, क्योंकि अपन को आगे से ओपन रखना है। ये जो बॉर्डर वाला साइड है इसको अपन रख लेंगे और इस तरह से रख लेंगे, यानी कि जो अपन के ऊपर वाला साइड था वो नीचे आ गया क्योंकि वो ऊपर ज़्यादा चौड़ा था, और नीचे वाला साइड था वो ऊपर ले गए क्योंकि वो थोड़ा सकरा था। तो इस तरह से अपन इसको बिछा लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर हो रहा है, बस आगे से थोड़ा सा गेप हो रहा है तो वो चलेगा क्योंकि अपन को आगे से ओपन रखना है। और बिल्कुल ये इसके ऊपर जमा लेंगे अपन अच्छे से, और जो भी एक्स्ट्रा होगा साइड से इसी के कुर्ती का अपन इसको सेप दे देंगे, बैक साइड की तरह ही इसे भी सेप देकर ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे अपन। ठीक है कि इसका अपन गला भी थोड़ा चौड़ा काटेंगे, ये 3 इंच चौड़ा गला का निशान लगा लेंगे एक अपन। ठीक है पहले निशान लगाएंगे क्योंकि बैक साइड भी अपन को सिर्फ ज़रा सा ही काटेंगे, और आगे आपको मैं 2 डिज़ाइन बता दूंगी, आप जैसा भी गला रखना चाहें आप रख लीजिएगा। ठीक है तो ये अपने बैक वाले का अपन पहले गला काट लेंगे 1 इंच का, बैक साइड पे मैं 1 इंच का ही गला काट रहे हैं अपन, और 3 इंच चौड़ा काट रखा है। तो ये अपन निशान लगा के 1 इंच गला काट लेंगे। अगर फ्रंट साइड पे आप कॉलर वाला वी टाइप का गला बनाना चाहें तो आप 7 इंच पे पहले एक निशान लगा लीजिएगा, इसको काटिएगा नहीं, ये ऐसे ही बन जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 7 इंच पे अपन एक निशान लगा लेंगे पहले। वी शेप देने के लिए अपन सिर्फ इसको ऊपर की ओर ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और साइड में कोई भी बटन या नग लगा लेंगे। ठीक है और अपनी जो कुर्ती है अंदर की उसका अपन गोल गला बना लेंगे, तो ये भी आपका बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह से आप सिर्फ ऐसे ही इसमें बटन लगा लीजिएगा, या फिर आप अंदर से कपड़ा लगा कर भी इस नेक को बना सकती हैं, या फिर आप ऐसे गोल कटिंग की, मैं आपको वो डिज़ाइन अभी सिलकर बना के बता देती हूँ। पहले अपन स्लीव्स कट कर लेंगे। अब देखिए ये अपन पहले इतना 16-17 इंच की स्लीव्स काट लेंगे, और ये थोड़ा साइड में कम है तो ये अपना जो कपड़ा बचा है इसे रख कर इसमें इससे अपन कली लगा लेंगे। ठीक है तो इस तरह से कली की तरह ये निशान लगा लेंगे और 8 इंच के आर्म होल कर लेंगे, और इस तरह से स्लीव्स को अपन कट कर लेंगे। या तो 7 या 8 इंच पे आप ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पे नग लगा कर वी गला बना लीजिए, नहीं तो आप इसको आगे 3 इंच का गला अपन इसमें कट कर लेंगे। तो इसमें अपन 3 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा, 4 इंच का गला काट लेंगे गोल। ठीक है तो ये 4 इंच का अपन एक गला काट लेंगे, गोल काटिएगा, एकदम गोल भी नहीं, तो इस टाइप से 4 इंच का अपन गला काट लेंगे और इसे ऊपर ही फोल्ड करती हूँ क्योंकि अपनी नेट है, धागे तो निकलेंगे ही नहीं, और ये मेरे पास लेस पड़ी हुई है तो ये लेस इस तरह से लगा लेंगे ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इस तरह से लगाना है, वैसे आप लगा लेंगे बट मैं फिर भी बता देती हूँ। तो इस तरह से ऊपर की ओर ही फोल्ड करेंगे और ऊपर से लेस रखते हुए इसको सिल लेंगे। ठीक है बाकी के शर्क तो आप सिल ही लेंगे, इसमें स्लीव्स शोल्डर जोड़ने हैं और साइड में स्लीव्स लगा के फिटिंग दे दीजिएगा तो ये आपका तो शर्क इजीली बन जाएगा। ठीक है एक सिलाई और अपन इस पे लगा देंगे, ये आधा गला बन चुका है, और आप चाहें तो इसके ऊपर बांधने वाली डोरी लगा सकती हैं और इस तरह से अपना नेक बन जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब।